आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर बेचते हाँ। हैं हमारे यहाँ आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर नहीं बिकती 90s में प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ होते थे और आज स्टार सब कुछ डिसाइड करता है कौन सी चीज बेटर थी 90s में भी ऐसा नहीं था रियली really? 90s में भी स्टार्स स्टार्स, चलते थे। थे? स्टार्स ही चलते हैं स्टार्स का जमाना कभी नहीं गया गलत गलतफहमी रही है आप ऐसा होता था ना स्टार जाके प्रोड्यूसर के पास बैठा रहता है उसके साथ उस टाइम पे टाइम उस टाइम पे ऐसा दौर था क्योंकि उस टाइम पे स्टार्स प्रोड्यूसर्स नहीं, नहीं थे। बनते थे अब स्टार्स प्रोड्यूसर्स है तो उनको कहीं जाके बैठने की जरूरत नहीं है वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट में जाऊंगा तो मुझे इतना इनकम होगा इतना रेवेन्यू मिलेगा तो मैं ये करना चाहूंगा सो so उस बेसिस पे होता है तो आई थिंक नथिंग एज चेंज विथ रिगार्ड टू सिनेमा ओनली थिंग वॉट इज चेंज इज अर्लियर देव बिग प्रोड्यूसर्स कुर एफ साजिन नडियाड़ाला बट नाउ टफ्लिक्स एमेजोन हॉटस्टार दे आर द प्रोड्यूसर रेस्ट आर वेंडर्स उनके लिए काम उनके लिए भी उनको भी वहीं जाना है hmm. आज अगर मैं कितना भी बड़ा हूं hmm. और कितना भी मतलब बड़ा एज uh, अ प्रोड्यूसर हूं hmm. मैं 500 करोड़ की फिल्म बना रहा हूं मुझे जाना तो वही है अनफॉर्चुनेटली फॉर हिंदी सिनेमा बट दैट इज नॉट द सेम विद साउथ सिनेमा साउथ इज नॉट अलाउड पीपल टू टेक ओवर दैट वर्ल्ड अच्छा अभी वही ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन दो यही तो फर्क है हमारी हाँ, इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री में आज हाँ, उनकी फ्लरिशिंग इसलिए है क्योंकि उनको सोचना नहीं पड़ता है आज भी वो लोग टेबल पे पिक्चर बेच देते हैं हाँ, आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर बेचते हाँ, हैं हमारे हाँ, यहाँ आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर नहीं बिकती तो ये चीजें बहुत फर्क पड़ता है तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट वी आर फेसिंग